यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। By making the classroom public, student who are not enrolled in the classroom can also join. अब सभी को पता है कि जो चैप्टर नंबर 1 है वो है थियोडोलाइट सर्वे, ठीक है, थियोडोलाइट है। और थियोडोलाइट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चीज़ें समझने के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर तो आपको समझना होगा कि थियोडोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं, थियोडोलाइट होता क्या है, किस लिए इसको यूज में लिया जाता है। ये सब चीज़ें अगर आपको आइडिया है तो आपको बहुत सारे पॉइंट को आप अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में जैसे कि सो फार वी हैव बीन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल बाय यूजिंग कंपास। जब हम कंपास का यूज करते थे तो उसकी हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते थे, लेकिन बात यहाँ पे आ जाती थी जब वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करना होता था तब हम कंपास विद द हेल्प ऑफ कंपास से हम यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप सर्वे पढ़े हो, सर्वेइंग में आप जो कंपास यूज करते थे सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल को ही मेजरमेंट कर सकते थे, वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। तो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए थियोडोलाइट आया जो दोनों काम करेगा, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजरमेंट करेगा और वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट करेगा, ठीक है। तो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए भी ये काफी मोर प्रिसाइजली है, ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे थियोडोलाइट सर्वेइंग का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे थियोडोलाइट सर्वेइंग। दिस सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल आर मेजर विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट इज कॉल्ड थियोडोलाइट सर्वेइंग। मतलब द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल आर मेजर विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, जो एंगल मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट इसको ही बोला जाता है थियोडोलाइट सर्वेइंग। थियोडोलाइट की हेल्प से जो भी एंगल मेजरमेंट किया जाता है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ थियोडोलाइट सर्वेइंग बोला जाता है, ठीक है, उसी को। अभी कंपास के हेल्प से अगर सर्वे कर रहे हैं तो कंपास सर्वेइंग बोला जाएगा, और थियोडोलाइट की हेल्प से कर रहे हैं तो थियोडोलाइट सर्वेइंग बोला जाएगा। तो ऐसे कई सारे टाइप के सर्वे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट। तो जो क्लासिफिकेशन इसका है बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दो तरीके के क्लासिफाई किए गए हैं। एक है आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर पेन यूज कर लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ। तो एक तो है ट्रांजिट थियोडोलाइट और दूसरा है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। एक है आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट और दूसरा है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट में आ जाता है पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बेस पे इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो है ट्रांजिट थियोडोलाइट और दूसरा है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। बेस एंड एंगल, एंगल के बेस पे, ठीक है, एंगल के बेस पे अगर देखोगे तो भी तीन तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी अगर देखोगे तो यहाँ वो दिखेगा, वर्नियर थियोडोलाइट है, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट। बेस ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखेंगे तो ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट है, और बेस ऑन एंगल के बेस पे अगर देखोगे तो वर्नियर थियोडोलाइट, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस था उसमें ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट था। तो यहाँ पर ट्रांजिट टाइप पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ट्रांजिट टाइप जो है, ठीक है, तो ट्रांजिट जो टाइप थियोडोलाइट है और थियोडोलाइट इज कॉल्ड अ ट्रांजिट थियोडोलाइट व्हेन इट्स टेलीस्कोप कैन बी ट्रांजिटेड, और थियोडोलाइट इज कॉल्ड ट्रांजिटेड थियोडोलाइट व्हेन इट इज टेलीस्कोप कैन बी ट्रांजिटेड, ट्रांजिट कर सकते हैं, रिवॉल्व थ्रू अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द वर्टिकल प्लेन, वेयर एज इन अ नॉन ट्रांजिट अगर टाइप में अगर देखोगे तो इसका जो टेलीस्कोप है इसको रिवॉल्व नहीं कर सकते, वर्टिकल एक्सिस में इसको मूव नहीं कर सकते, तो नॉन ट्रांजिट टाइप का थियोडोलाइट होता है। दे आर इंफीरियर इन यूटिलिटी एंड हैव नाउ बिकम ऑब्सोल्यूट, मतलब ये अभी ये टाइप में देखोगे तो ये नॉर्मली यूज में नहीं लिया जाता है, ठीक है। जब रिवॉल्व नहीं हो पाएगा तो हॉरिजॉन्टल एंगल तो मेजरमेंट कर लेगा लेकिन वर्टिकल एंगल मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम ट्रांजिट थियोडोलाइट ही यूज करते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट ही हम नॉर्मली यूज में लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखेंगे तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि वर्नियर थियोडोलाइट है, माइक्रोमीटर है या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट है, तो उसमें देख लेते हैं। वर्नियर थियोडोलाइट जो होता है फॉर रीडिंग द ग्रेजुएट सर्कल इफ वर्नियर आर यूज, वर्नियर उसमें लगा रहता है और इस थियोडोलाइट को बोला जाता है वर्नियर थियोडोलाइट। ये आपका जो नॉर्मली यूज किया जाता है, नॉर्मली जो मेरे प्रैक्टिकल वीडियोज आप लोगों ने देखा होगा थियोडोलाइट का, तो उसमें जो थियोडोलाइट आप लोगों ने देखा होगा वो वर्नियर ही थियोडोलाइट है। उसमें जो सर्कुलर यूज किया जाता है, उसमें जो रीडिंग लिया जाता है वो वर्नियर की हेल्प से ही लिया जाता है, ठीक है। जो डिजिटल होता है वो माइक्रोमीटर में आ जाता है, और ये नेक्स्ट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस वाला जो है उसमें के थ्रू कर लेते हैं, जैसे कि टोटल स्टेशन वाला आ जाता है। इन दोनों की अगर मैं आपको बात बताऊं कि इन दोनों का जो लिस्ट काउंट होता है ना वो 1 होता है। इन दोनों का अगर लिस्ट काउंट देखोगे तो 1 होता है, बाकी इसका लिस्ट काउंट 22 होता है, इसका लिस्ट काउंट 22 इस तरीके से डबल डैश होता है 22 जितना होता है। थियरी पार्ट थोड़ा सा मैं पीपीटी के हेल्प से बता रहा हूँ, बाकी न्यूमेरिकल पार्ट आपको बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल जो होंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो सारा पार्ट मैं आपको धीरे धीरे लेक्चर बाय लेक्चर आपको एक्सप्लेन करते रहूंगा। नेक्स्ट देख सकते हैं साइज ऑफ थियोडोलाइट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो बात कर रहा है साइज ऑफ थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट इज डेजिग्नेटेड बाय डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑन द लोअर प्लेट। जो थियोडोलाइट हो जाता है वो डेजिग्नेटेड होता है डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑन द लोअर प्लेट, और उसकी कॉमन साइज कितनी होती है, कॉमन साइज होती है 8 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जबकि देखोगे कि 14 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू ट्राइंगुलेशन वर्क में इतने का किया जाता है, 14 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर पे और कॉमनली ये यूज किया जाता है 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर। ग्रेटर एक्यूरेसी इज अचीव विथ लार्जर थियोडोलाइट एज दे हैव बिगर ग्रेजुएटेड सर्कल, द लार्जर डिवीजन हैंस यूज वेयर द सर्वे वर्क रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है। डायमेंशन याद रखना, एमसीक्यू से रिलेटेड अगर आप लोग का अगर एग्जाम होता है ना तो वहाँ पे डायमेंशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात है यूज ऑफ थियोडोलाइट, जो थियोडोलाइट का यूज है उसको देख लेते हैं। तो थियोडोलाइट का मोस्ट एक्यूरेट सर्विंग इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। यूज में अगर आपको लिखना है तो ये चीजें बता सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए, लोकेट पॉइंट ऑन ए लाइन, किसी भी कोई लाइन है उस पर कोई पॉइंट को लोकेट करने के लिए होता है, प्रोलोंगिंग सर्वे लाइन के लिए होता है, फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ लेवल, मतलब कोई भी हाइट पे है उनके दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेटिंग आउट ग्रेड्स, ग्रेड्स को सेटिंग आउट करने के लिए होता है, रेंजिंग कर्व्स के लिए होता है, टैक्योमेट्रिक सर्वे के लिए होता है, मतलब आपको ऐसे थियोडोलाइट से ही रिलेटेड आपके पूरे एडवांस सर्वे में जो चैप्टर है एक टोटल स्टेशन को छोड़ के वो सब कुछ आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट की हेल्प से सॉल्व हो जाता है, सब कुछ वर्क थियोडोलाइट के हेल्प से ही हो जाता है। लेकिन वर्क जो सर्वे कर रहे हैं जिस टाइप का, इसलिए उसका नाम को रख दिया जाता है, जैसे टैक्योमेट्रिक सर्वे हो गया, चाहे ट्रायंगुलेशन सर्वे हो गया, अलग अलग, चाहे वो कर्व वाला चैप्टर हो गया, इसका ही हेल्प लिया जाता है, इसके साथ साथ अदर भी इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट, ठीक है। ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट में आगे पॉइंट मैं बताऊंगा कि ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट में ये ऊपर वाला पोर्शन में आप देख सकते हो कि ऊपर वाले में सबसे पहले ये वर्टिकल एक्सिस होता है, इस तरीके का जो एक्सिस में आप देखोगे तो ये वर्टिकल एक्सिस बताता है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट ये जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, और यहाँ वाला आई पीस होता है, ठीक है, ये आई पीस होता है। इसमें ये थोड़ा सा रह गया, मैं डिटेल में दूसरे पिक्चर्स में, यहाँ पर ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस था, ये अपर प्लेट, ठीक है, यहाँ पे वर्नियर, एक्चुअली क्या ये नीचे वाला लोअर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये लोअर वाला पोर्शन है, वहाँ का है, वो चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर अलग अलग पार्ट में है इसलिए उतना समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ ये बताया कि अपर एंड लोअर प्लेट्स के बारे में बताया कि अपर और लोअर प्लेट में। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला अपर प्लेट है जिसमें वर्नियर लगा रहता है, ठीक है, फिर ये नीचे जो देख रहे हो ये लोअर प्लेट है, ठीक है, और फिर इनर स्पंडल लगा रहता है, फिर अपर क्लैंप होता है, और एक यहाँ पे लोअर क्लैंप लगा रहता है, ठीक है। अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप का यूज किस लिए करते हैं कि
अपर क्लैंप जो होता है ना उसको अगर लूज करते हो तो अपर प्लेट मूव करेगा, लोअर क्लैंप को लूज करते हो तो लोअर प्लेट लूज करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अपर लोअर वाले को अगर टाइट कर दिए हो और अपर वाले को एक रीडिंग पे फिक्स करके टाइट कर दिए हो, उसके बाद से अगर अपर वाले को कितना भी चेंज करोगे, लोअर वाले को स्क्रू को लूज करके कितना भी चेंज करोगे, रीडिंग नहीं चेंज होगी। रीडिंग कब चेंज होती है, जब अपर वाला जो प्लेट का क्लैंप है उसको लूज करके और मूव करते हो तभी रीडिंग चेंज होती है। प्रैक्टिकली जब करोगे तो काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा आपको। नेक्स्ट देख सकते हो ट्रांजिट वर्नियर थ्योरल लाइट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और ट्रांजिट थ्योरल लाइट का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो ट्रांजिट वर्नियर थ्योरल लाइट इसेंशियल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, तो क्या क्या होता है इसमें ये चीजें देख सकते हैं। लेवलिंग हेड, लोअर सर्कुलर प्लेट, अपर प्लेट होता है, टेलीस्कोप होता है, वर्नियर स्केल, टी फ्रेम होता है, प्लम्बर और ट्राइपोड स्टैंड होता है, ठीक है। ये कुछ डिस्क्रिप्शन है जो आप सभी को याद करना कि इसमें ट्रांजिट वर्नियर थ्योरल लाइट में कंसिस्ट करते हैं। अब इसमें सेंटरिंग देखिए, टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो होता है, टर्म्स यूज इन मैनिपुलेटिंग ट्रांजिट वर्नियर थ्योरल लाइट, मतलब सेंटरिंग इज द पार्ट ऑफ द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द थ्योरल लाइट। थ्योरल लाइट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो होता है उसका पहला जो पार्ट होता है वो सेंटरिंग का होता है। सेंटरिंग का वर्क क्या होता है, सेंटरिंग का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ग्राउंड पर पॉइंट कहाँ पर है, ग्राउंड पर पॉइंट कहाँ पर, उसी को बोला जाता है सेंटरिंग, ठीक है। सेंटरिंग का मीन्स होता है सेटिंग द थ्योरल लाइट एग्जैक्टली ओवर एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन so that its vertical axis line immediately above the station mark. It can be done by means of plumb up के द्वारा इसको आप कर सकते हो, और या तो एक small pebble लेकर भी, pebble मतलब छोटा सा पत्थर लेकर भी आप इसका centering कर सकते हैं, ठीक है। The centering shifting arrangement is provided with the instrument help in easy and rapid performance of the centering. Next part देख सकते हैं, term used in मैनिपुलेटिंग और ट्रांजिट वर्नियर थ्योरल लाइट, जिसमें ट्रांजिट वर्ड आ जाता है। ट्रांजिट इज ऑल्सो नोन एज प्लंजिंग और रिवर्सिंग, प्लंजिंग करना या रिवर्सिंग करना, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री तक आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। दस ब्रिंगिंग इट अपसाइड डाउन एंड मेकिंग इट पॉइंट एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में भी इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, स्विंगिंग द टेलीस्कोप, स्विंगिंग द टेलीस्कोप का टर्म्स क्या है, ठीक है। तो स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप का मतलब होता है कि टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव किया जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको मूव किया जाता है। प्लेन हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में है, मतलब ये जो मूव किया जा रहा है ये एक्सिस के इस तरीके का मूव किया जा रहा है, तो इसको स्विंगिंग द टेलीस्कोप बोला जाता है, ठीक है। और ट्रांजिट में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की इस तरीके का मूव किया जा रहा था तो वो ट्रांजिट था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फेस लेफ्ट क्या होता है। फेस लेफ्ट का मतलब आप जब थ्योरल लाइट देखोगे तो उसमें वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए डायफ्राम होता है, ठीक है, उसको डायफ्राम बोला जाता है। तो जब आप आईपीस से देख रहे हो तो आप देखोगे डायफ्राम किस साइड में है, डायफ्राम अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको जो भी रीडिंग उससे ली जाती है उसको फेस लेफ्ट बोला जाती है। अगर वो डायफ्राम आपके राइट साइड में है, ठीक है, जब ट्रांजिटिंग किया जाता है ना तो उसी से आपको फेस लेफ्ट और फेस राइट आता है। तो यहाँ पे वही चीजें बोला गया, इफ द वर्टिकल सर्कल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑन द लेफ्ट साइड द ऑब्जर्वर व्हाइल टेकिंग ए रीडिंग द पोजीशन इज कॉल्ड फेस लेफ्ट, ठीक है, उसको फेस लेफ्ट बोला जाएगा। द ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल इन द पोजीशन इज नोन एज अ फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। वही चीज अगर राइट में होगा तो फेस राइट बोला जाएगा। जैसे ये चीजें वही इसी को मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल आपका सर्कल है इंस्ट्रूमेंट वो ऑब्जर्वर के राइट साइड में है तो जो भी रीडिंग ली जाती है उस पोजीशन में तो उसको फेस राइट बोला जाता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं चेंजिंग फेस, चेंजिंग फेस किसको बोला जाता है, तो चेंजिंग फेस को भी मैं बता देता हूँ। चेंजिंग फेस मतलब वही चीज बोल रहा हूँ कि जो ट्रांजिट किया जाता है ना उसी को चेंजिंग फेस किया जाता है। जब टेलीस्कोप को 180 डिग्री मूव कर दिया जाता है तो फेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वही चीज यहाँ पर बताया है कि इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। If originally if it is the left and vice versa, ठीक है, अगर left है तो right में ला दिए तो इसी को position को ही बोला जाता है, या तो left में है तो right में किए या तो right में है तो left में किए, तो उसी को बोला जाता है changing phase, ठीक है। अब ये done कैसे होता है, तो दो step में होता है। First revolve the telescope through 180 degree in a vertical plane and then rotate it through 180 degree in the horizontal plane.
फर्स्ट ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड देन स्विंग इट थ्रू 180 डिग्री, तो ये आपका आ जाता है, ठीक है, चेंजिंग फेस हो जाता है। नेक्स्ट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ना, ये ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई तैयारी कर रहा है तो इसे, ये जो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये चीजें बहुत ही काम आती हैं कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपको मैं बताऊं कि जो लाइन ऑफ साइट होती है ना, लाइन ऑफ साइट मतलब आप देख रहे हो आई पीस ऑब्जेक्ट पीस को, एक ये जो लाइन बन रही है, एक साइट बन रही है ना, उसी को लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोला जाता है। और इसमें देखो ये नीचे लिख भी दिया है कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ लाइन ऑफ साइट, इसको ही लाइन ऑफ साइट भी बोला जाता है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास एंड इट्स कंटिन्यूस, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है। तो आप देख सकते हो कि किसको ये इंडिकेट करके बता रहा है कि इमेजिनरी लाइन होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किसको कर रहा है, क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द क्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन। उसके बाद होता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, क्या किसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। यहाँ पर अगर देखोगे दोनों में टेलीस्कोप देख रहे हो, टेलीस्कोप के ही बीच में से ये भी बता रहा है, ठीक है, टेलीस्कोप के बीच में ही से ये भी बता रहा है, ये भी टेलीस्कोप के बीच में बता रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ वाले फिगर में देखोगे तो यहाँ पर ये आपका डायफ्राम है, यहाँ पे ये डायफ्राम है, ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है, टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट, ये एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट का एक्सिस है, तो इसको बोला जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास एट द सेंटर ऑफ आईपीस, आईपीस के सेंटर में ये जो रहता है इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, इसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोला जाता है, टेलीस्कोप का एक्सिस बोला जाता है, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब किसको बोला जाता है, तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब बबल लाइन जो होती है उसी को बोला जाता है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है टेंजेंशियल टू द लॉन्जिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब, इट इज हॉरिजॉन्टल एंड बबल बबल इज इन द सेंटर। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और इसका जो बबल होता है जब सेंटर में होता है तब ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये चीजें जान सकते हैं एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। नेक्स्ट, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, तो वर्टिकल एक्सिस आपको इसे भी आइडिया मिल रहा हो कि वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, तो वर्टिकल एक्सिस मतलब मैं खड़ा हूँ तो मेरे हाफ करने वाला एक्सिस जो होगा वो वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी आपको ऑलरेडी पता है, इट इज एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिस एक्सिस के अबाउट में मूव करता है उसी एक्सिस को बोला जाता है वर्टिकल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल प्लेन में जो मूव करता है जिस एक्सिस के अबाउट में तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही बोला जाता है ट्रूनियन एक्सिस, ये ध्यान में रख लेना, ट्रूनियन एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से देखो, रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा है, रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल, इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट ऐसे करके हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करके ऐसे कोई वीडियो है, वो चीज़ें आप सर्च मारोगे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट ऐसे करके है वो, अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें डिटेल में मैंने समझाया है, यहाँ पर अभी ऐसे समझाऊंगा तो आपको नहीं पता चलेगा। इसमें दो तरीके का है, ऊपर वाला जो होता है वर्नियर होता है और नीचे मेन स्केल होता है, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो वर्नियर का जीरो जो है वो मेन स्केल के कहाँ पर है, तो आप देखोगे कि ये जो 10 से 15 के बीच में 5 पार्ट है और उस एक एक पार्ट में भी 20 मतलब पार्ट है, मतलब एक एक डिग्री के बीच में भी 3 पार्ट है, तो 20 मिनट का पार्ट है और वो एग्जैक्ट देखोगे 20 मिनट के बाद है, ठीक है, तो मतलब 10 डिग्री आपको ऑलरेडी पता चला कि 10 डिग्री तो है, ठीक है, उसके बाद 20 मिनट है ये भी पता चला, लेकिन 20 मिनट के बाद बीच में कहाँ कितना सेकंड है वो नहीं पता चल रहा है, कितना मिनट कितना सेकंड है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, अब देखा जाता है कि वर्नियर के जितने भी लाइनिंग है और मेन की जितनी लाइनिंग है वो कहाँ पर मैच कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच कहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर बाद में मैचिंग के बेस पे हम मिनट और सेकेंड डिसाइड करके दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो उसके बेस पे हमें पता चल जाता है कि इसकी रीडिंग क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फंडामेंटल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट एंड देयर रिलेशन, उनका रिलेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट बता रहा है, ओके, जो ऑब्जेक्ट के बेस पे इस तरीके से बना हुआ है, ओके,
और फिर बाद में यहाँ पर आप हॉरिजेंटल एंगल मेजरमेंट करते हैं इस तरीके से, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये नॉर्मली अब बनाया है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो किया जाता है वो तीन स्टेप में कम्प्लीट होता है, ठीक है, तीन स्टेप में टेम्परेरी एडजस्टमेंट कम्प्लीट होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिस्टम तरीके से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना के आप लोग को भेजा था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट में पहला अगर पॉइंट आता है तो वो आता है आपका सेटअप ऑफ एंड सेंटरिंग, ठीक है, सेटअप ऑफ एंड सेंटरिंग। सेटअप ऑफ में मतलब क्या किया जाता है कि जो ट्राइपोड होता है उसके ऊपर थियोडोलाइट को थोड़ा सा लेवल करके सेटअप कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद से उसका एक्सिस और ऑन द ग्राउंड ले लिया जाता है बाय प्लम्बर और पेबल के द्वारा सेंटरिंग कर लिया जाता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है लेवलिंग, ठीक है। तो लेवलिंग में क्या किया जाता है, वो लेवलिंग होता है विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू, जो उसके नीचे तीन फुट स्क्रू होते हैं उसकी हेल्प से लेवलिंग किया जाता है। और फिर उसके बाद से एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स में भी दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, यही होता है फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, ये एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स में आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल जो होता है, जनरल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड रिट्रिएशन मेथड, ये तीनों मेथड नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी देखेंगे। ये जो तीनों मेथड है, जनरल मेथड, रिपीटेशन मेथड, रिट्रिएशन मेथड, ये क्या है वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि जनरल मेथड क्या है, रिपीटेशन मेथड क्या है, रिट्रिएशन मेथड क्या है, किस तरीके से ये कंप्लीटली किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी मिलेंगे।